आर्थिक संकट में फंसे यस बैंक पर आरबीआई ने कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। इससे यस बैंक के ग्राहकों में हड़कंप मच गया है। आरबीआई के आदेश अनुसार खाता धारक अब यस बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकेंगे। निकासी की ये सीमा 3 अप्रैल 2020 तक लागू रहेगी। नहीं, यस बैंक के निदेशक मंडल के अधिकारों पर रोक लगाते हुए 1 महीने के लिए एसबीआई के पूर्व डीएमडी और सीएफओ प्रशांत कुमार की प्रशासक के रूप में नियुक्ति भी कर दी है। रिजर्व बैंक का कहना है कि यस बैंक लगातार एनपीए की समस्या से जूझ रहा है, जिसके चलते ये फैसला लेना पड़ा है। आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक यस बैंक में बचत चालू या अन्य किसी जमा खाते से 1 महीने के दौरान 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे। दूसरी ओर एसबीआई बोर्ड ने यस बैंक में निवेशकों के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने अपने स्वामित्व वाली बीमा कंपनी एलआईसी से एसबीआई के साथ मिलकर हिस्सेदारी खरीदने के लिए भी कहा है। एलआईसी के पास पहले से यस बैंक की 8% हिस्सेदारी है। कुछ हफ्ते पहले यस बैंक को उबारने से जुड़ी अटकलों पर एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा था कि उन्हें नाकाम नहीं होने दिया जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।